नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद बिहार झारखंड से सटे चोरदाहा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस बॉर्डर पर दंडाधिकारी सहित पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, जहां 3 शिफ्ट में पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर सील होने के कारण सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। वही इक्का दुक्का वाहन ही आ जा रहे हैं, आने जाने वाले वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। ये बिहार और झारखंड के बीच का जो बॉर्डर चौदाहा है, ये यहाँ जो लॉकडाउन में जो चौदाहा बॉर्डर पर हम लोग का जो ड्यूटी लगाया गया है, तो हम लोग लॉकडाउन के अंतर्गत किसी गाड़ी वाहन को बाहर से जो झारखंड तरफ से या बंगाल तरफ से जो गाड़ी आ रही है और बिहार में हम एंट्री दे रहे हैं, इसके सरकार के द्वारा परमिशन दिया गया है, वही गाड़ी को हम अंदर जाने दे रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आ रही है उसको कच्चा माल है ये तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, ये सब वाहन को या सब्जी का वाहन है ये सब को जाने दे रहे हैं। पब्लिक गाड़ी जो है उसको सरकार के द्वारा परमिशन दिया गया है, उसी को हम एंट्री दे रहे हैं। नशा को ये भी देखा जाता है कि बड़े वाहनों में लेबर वगैरह जो है, हाँ आज हम दो वाहन को देखा तो ट्रक से आ रही थी, उसमें चार चार आदमी था, तो हमने ड्राइवर से पूछा तो बोला कि स्टाफ, उससे पूछा तो बोला कि नहीं सर हम स्टाफ नहीं, तो दो आदमी ड्राइवर और प्लास्टिक मैंने जाना दिया, दो आदमी उनको आप लोग कहाँ भेजते हैं? उनको हम कुलखानी सेंटर में भेजते हैं। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रजनीकांत कुमार हुआ, मैं कृषि समन्वयक भारत चतुर्थ प्रखंड में कार्यरत हूँ। यहाँ पर किस यहाँ पर मैं दंडाधिकारी के रूप में।